हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मेरा गांव में। और आज हम आए हैं अपने गांव के पास में, कुछ क्षेत्र जो है कि बाढ़ से ग्रसित हो गया था, उन्हीं खेतों की तरफ आए हैं। अपने आपको नज़ारा दिखाएंगे और आज साथ में मेरे भैया गौरव भी हैं, इधर आएंगे। गुड मॉर्निंग करना। गुड मॉर्निंग। और बाइक से आए हैं, बहुत कीचड़ है, बाढ़ भरी हुई है, आप सभी देख लीजिए। बहुत दूसरी बार बाढ़ आई है, बहुत नुकसान हुआ है हमारे क्षेत्र को, हमारे गांव के को, हमारे गांव में जो पड़ोस के गांव हैं उन सभी गांवों को। और देख, आप देख लीजिए, ये हैं धान, ये धान हैं और इनमें धान नाम का कुछ नहीं है, केवल पानी सब भरा हुआ है और कोई जो है पूरा लॉस हो गया, पूरा नुकसान हो गया है। और पूरे पूरे गन्ने भी गायब हो गए हैं, आपको दिखाते हैं, ये गन्ना लगा हुआ है और देख लीजिए आप, गन्ने के नाम पे इसमें कुछ नहीं बचा है और किसान बहुत परेशान तृप्त हो जाते हैं इस बाढ़ की वजह से। और इस बार जो है बाढ़ बहुत गलत टाइम पे आई, शुरुआत में ही बाढ़ आ गई थी, धान की रोपाई भी नहीं हो पाई थी और जिसके कारण बहुत नुकसान किसानों को झेलना पड़ा। तो प्लीज गाइज, आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मेरा गाँव को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भाई अनुज आपसे बात कर रहा है, आपसे निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है कि आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल जरूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें कि हमारे गांव के पास के जो खेत हैं उनमें बाढ़ भरी हुई है, बहुत बाढ़ है। हमने इतना इतना सब पानी कवर करके फिर यहां आए हैं आपको दिखाने के लिए। और हमारे क्षेत्र को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हमारे गाँव के पड़ोस के जितने भी गाँव हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप देख रहे हैं ये बाढ़ भरी हुई गन्ने को काफी नुकसान हुआ है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं चांदीखेड़ा का रहने वाला हूं, मेरा नाम अनुज है और आप देख रहे हैं टेक्निकल मेरा गांव। और आपसे कुछ बात करना था, आपको कुछ दिखाना था अपने क्षेत्र के बारे में, अपने बारे में, तो इसीलिए हम वीडियो बनाने के लिए आए हैं। बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ पे और इतना यहाँ पे समस्या है, यहाँ की खेती बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है लेकिन पानी की वजह से यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ पे धान की रोपाई हुई है, आप देख रहे हैं, इधर दिखाओ गौरव, धान की रोपाई हुई है लेकिन यहाँ पे धान दिखाई नहीं दे रहा है। और इधर दिखाओ, ये गन्ना है, ये गन्ना है और ये यहाँ पे गन्ना भी बहुत कम मात्रा में रह गया है, सब गल गया है, गन्ना पूरा गायब हो गया है। इधर देखो, पूरा पूरे खेत में पानी भरा हुआ है। ये जो खेत दिख रहा है मेरे चाचा का खेत है, ये जो दिख रहा है ये मेरे चाचा का खेत है, इसके पीछे जो है मेरा खेत है, दिखाओ गौरव उसको, और ये पूरा डैमेज हो गया है। और यहाँ पे बहुत अच्छी खेती है लेकिन पानी की वजह से कुछ पैदा नहीं हो। तो गाइज, आप जैसा कि तो गाइज आप देख रहे हैं कितना सारा पानी भरा हुआ है, मेरे घुटनों के ऊपर तक का पानी अभी भी बचा है, जबकि बाढ़ आए हुए 9 दिन हो गए हैं, 9 दिन बाढ़ आके गए हुए हो गए हैं, तब भी इतना पानी भरा है जिस कारण पूरे खेत परिहल के टाइप में पड़े हुए हैं, कुछ बुआई नहीं हो पाई इसमें, जिसमें धान की रोपाई भी हुई है उसमें कुछ धान नाम का कुछ नहीं रह गया है। और गन्ने की भी आप दशा देख रहे हैं, गन्ने में भी कुछ नहीं रह गया है। आप देख रहे हैं कितना कितना पानी भरा, गौरव दिखाएंगे कितना पानी भरा, घुटनों से ऊपर पानी है अभी हमारे। और आज हम आए थे अपने गांव के पास के जितने भी खेत हैं एक क्षेत्र की तरफ आए थे, तो खेत आपको दिखाया है अभी हमने पिछले ब्लॉक में। और ये खेत, अभी मैं खेत में ही हूँ, ये है हमारी धान की रोपाई हुई थी, ये हमारा खेत है, धान लगाया गया इसमें और एक बार बाढ़ आई है लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम नुकसान होता है। जो अभी मैंने पिछले वाला खेत दिखाया है अपना, वहाँ पे ज्यादा नुकसान होता है, वहाँ पे गन्ना था वो लगभग समाप्त ही हो गया है, कुछ थोड़ा बहुत बचा होगा तो बचा होगा और लगभग बहुत सारा नुकसान हो गया है।
और जिस हिसाब से तुलना करी जाए तो लगभग 1,00,000 रुपए का नुकसान हो गया है, 1,00,000 रुपए का गन्ना चला गया है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है बाढ़ की। और ये सब खेत हैं, ये हमारे गांव के खेत हैं, और आज आए थे यहाँ, आना बहुत दिक्कत भरा था, पर हमने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बाइक फंदाते हुए पानी में ढकेलते हुए गौरव भैया धक्का भी लगाए हैं, और इतना इतना सब पानी जो है भरा हुआ था उसमें गाड़ी फंदाते हुए, एक बार तो मेरी गाड़ी स्लिप भी हो गई थी, गिरते गिरते बचे हैं। और यहाँ पे बहुत समस्या है, पर आपको हमने दिखाने के लिए और यहाँ पे आए हुए हैं, और बहुत समस्या है यहाँ पे। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है जानवरों की, जानवर यहाँ पे बहुत समस्या करते हैं, पूरी पूरे खेत खाली कर देते हैं। और ऊपर वाले का भी कहर इस बार जारी रहा, बारिश भी खूब हुई और बाढ़ भी 2 बार आई है, इस वजह से बहुत ज्यादा समस्याएं हुई हैं। आज हमने पहले भी बताया है कि आज हम अपने खेतों की तरफ आए हुए हैं, और मेरे साथ मेरा भांजा गौरव है, और उसको मैंने बताया है अपने गांव के खेतों का हाल और दिखाया है, आप लोगों को भी दिखाया है। देखिए कमेंट जरूर करिए कि कैसी यहां की पोजीशन है, आपको कैसा लगा, और यहां पे कितना नुकसान, जो भी आपके मन में सवाल हैं प्लीज कमेंट जरूर करें। और मेरा वीडियो जो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो अगर ना पसंद आए तो प्लीज डिसलाइक मत करें, कमेंट करें, जो भी दिक्कत है, जो भी आपको सही नहीं लग रहा है, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। गौरव भैया आपने देखा कि कितना यहाँ पे समस्या है, कितना बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, 2 बार यहाँ बाढ़ आ चुकी है, धान लगाने से पहले 1 बार आई थी और धान लगाने के बाद 1 बार आई है, जिस कारण से यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पूरे किसान यहाँ जो जिनके खेत इस साइड में पड़ते हैं उनको बहुत समस्या हुई है। मेरे गांव के दो तरफ, मतलब एक तरफ ज्यादा प्रभावित होता है क्षेत्र और एक तरफ कम प्रभावित होता है, तो जिस तरफ ज्यादा प्रभावित होता है उसी तरफ मैं बैठा हुआ हूँ। उधर मेरे 3 खेत हैं और 2 में गन्ना है, 1 में धान की रोपाई हुई है, 1 में गन्ना तो बिल्कुल चला गया है, ना के बराबर है, और दूसरे में थोड़ा बहुत बचा है, जो भी भगवान ऊपर वाले कुछ दे देंगे कुछ हो जाएगा। तो गौरव भैया आपने देखा, कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? हाँ कहना चाहेंगे, इतना सारा पानी भरा है, किसान लोग इतनी मेहनत करते हैं, लाखों की फसल की बर्बाद हो गई। वही तो अपने दर्शकों को दिखाने के लिए हम आए हैं, आपने देखा है कितनी समस्या हुई है, गाड़ी एकदम बेकार गई, उसको धुलना पड़ेगा या धुलवाना पड़ेगा, और गंदी हो गई, घुटने घुटने तक का पानी है और 3 जगह पानी पड़ा था, उसको उसमें गाड़ी फंदाते हुए और चले आए हैं, स्लिप भी हो गए थे एक बार गिरते गिरते भी बचे थे, और गौरव वीडियो शूट कर रहे थे और हम उधर बाइक पे थे तो बच गए, गिरे नहीं, गिरते तो आपको जरूर दिखाते हैं, जो भी आपका कमेंट रहता वो बताते आप लोग। तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मेरा गांव को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी हेल्प करें, और वीडियो जरूर देखें, जो भी आपको पसंद आए, ना पसंद आए तो आप कमेंट करें, और इसी प्रकार से हम वीडियो बनाते रहेंगे, आपका प्यार आपका आशीर्वाद मिलता रहे। यूं ही नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।